नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर के परसुडी निवासी इन दिनों बारिश का मौसम आते ही बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर है। पानी के पाइपलाइन और अंडरग्राउंड कैबलिंग के द्वारा खोदे गए गड्ढे की वजह से सड़क पर चलना उनका मुश्किल हो गया है। जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत परसुडी क्षेत्र के सोपोडेरा में जसवाल जमाव और कीचड़ की वजह से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यह सड़क परसुडी क्षेत्र के सोपोडेरा, सालगा, जुड़ी, शांति नगर जैसे स्थानों को जोड़ती है। इस क्षेत्र में एक घनी आबादी निवास करता है। जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी सुमित शर्मा ने बताया कि स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व विधायक को इस मामले में संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द सड़क के मरम्मतीकरण की जरूरत है। उन्होंने सरकार से मांग की जल्द से जल्द सड़क को उसे दुरुस्त किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लोग दुर्घटना के शिकार ना हो। क्या स्थिति है इस रोड का, कहाँ निकलती है रोड? यह मेन रोड परसोड़ी से लेकर टेलको निकलती है। चांदनी चौक से रोड बहुत ही खराब है। ये पाइपलाइन का काम जब हो रहा था तब रोड को खोदा गया था और बोला गया था कि पाइपलाइन काम होते ही रोड बन जाएगा। पाइपलाइन का काम विगत दो वर्ष पहले खत्म हो चुका, उसके बाद से बिजली अंडरग्राउंड बिजली का काम चालू हुआ, उसमें भी रोड खोद दिया गया, रोड को मरम्मती नहीं किया गया। फरवरी और मार्च में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था संयुक्त ग्राम विकास समिति के माध्यम से और उपायुक्त को ज्ञापन दिया था। उपायुक्त ने कहा था कि रोड का मरम्मती जल्द हो जाएगा, पर पता नहीं काम चालू हुआ फिर बीच में बंद हो गया। अभी स्थिति देख सकते हैं कि रोड का स्थिति चलने लायक भी नहीं है। और यहाँ के स्थानीय विधायक जी से भी हम लोग मांग किए, स्थानीय विधायक जी बोले बनेगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि स्थानीय विधायक जी इसमें कोई रुचि दिखला रहे हैं। उनको बस यहाँ से मतलब है, बर्थडे पार्टी कहीं भोज है, बस वहीं पर उनका सीमित हो गया है। लेकिन विकास मामले में वो इस सुपौर बस्ती में तो उनको नहीं दिख रहा कि विकास कुछ कर पा रहे हैं। इस रोड का सबसे बड़ा विडम्बना यह है, दुर्दशा है कि हर दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, हर दिन लोग गिरते हैं, चाहे पैदल हो, चाहे साइकिल से हो, चाहे मोटरसाइकिल से हो, हर दिन कोई ना कोई गिरता है, तकलीफ हम लोग को होती है। सरकार पता नहीं क्यों इतना उदासीन है इस रोड को बनाने में, पता नहीं सरकार का रुचि है कि नहीं है, ये समझ से परे है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, सरकार से मांग है, यहाँ के स्थानीय विधायक से, जनप्रतिनिधि से मांग है कि रोड को अविलंब बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए ताकि यहाँ के 10,000 जो आबादी है उसको राहत मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।